हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज उदित एंड यू आर वाचिंग टेक लाउंज। आज हम बात करेंगे चाइनीज फोन्स के ऊपर। आज का टॉपिक है कि क्या हमें चाइनीज जो फोन आते हैं उनको बैन करना चाहिए या उनको बॉयकॉट करना चाहिए, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो मेरा अगर आप जवाब सुनना चाहते हैं तो मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ कि हाँ, हमें चाइनीज फोन्स को बॉयकॉट करना चाहिए और ये हमको करना ही पड़ेगा। इसकी वजह मैं आपको अब बताता हूँ कि ऐसा क्यों और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि जो आपने अगर वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाया होगा और आगे उनने थंबनेल में एक ऐसा चेहरा सा बनाया होगा जिसमें वो काफ़ी दुखी लग रहे होंगे या एक काफ़ी शॉकिंग सा रिएक्शन दे रहे होंगे और ये बोल रहे होंगे कि शुड बी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। इस तरीके से आपने कहीं ऐसे थंबनेल्स देखे होंगे और कहीं ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे। फिर उसमें वो उनने आगे बताया होगा कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है कि हम उन लोग चाइनीज जो फोन्स हैं इनको बॉयकॉट कर सकते हैं। तो मैं इसी के ऊपर आज कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें ये करना चाहिए और कैसे हम ये कर सकते हैं। तो पहले तो बात आती है इन यूट्यूबर्स की, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपने देखा हो जो भी टेक यूट्यूबर्स होते हैं, ये लोग ज़्यादातर, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में ज़्यादातर चाइनीज़ फ़ोन ही आते हैं, तो अगर ये लोग उनको बॉयकॉट करने के लिए बोलेंगे तो इनको कंपनी फ़ोन क्यों भेजेगी, इनको कंपनी हायर क्यों करेगी, इनको कंपनी स्पॉन्सर क्यों करेगी, इनके चैनल पर जो वीडियो आप देखते हैं उसके लिए जो पैसा इनको मिलता है उन प्रोडक्ट्स को आगे रिव्यू करने के लिए, वो पैसा इनको नहीं मिलेगा। तो ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? तो ऐसा ये लोग बिल्कुल नहीं करने वाले, बल्कि उल्टा ही आपको डराएंगे और बोलेंगे कि यार चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन मत करो, बॉयकॉट मत करो, अगर आपने ऐसा किया तो देश में भुखमरी छा जाएगी, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जो फोन असेंबल करती हैं चाइनीज, उन पे ताला लग जाएगा, जो गवर्नमेंट है जो 18% GST चार्ज करती है वो कंगाल हो जाएगी। तो इस तरीके से काफी डराने की कोशिश करेंगे, मगर मेरा इनसे कहना है कि यार एक मिनट रुक जाओ, बहुत हो गया और इस तरीके से आप डराना बंद करो लोगों को। तो यार पहले तो ये बताओ आप कि इंडिया बिना चाइना के सर्वाइव नहीं कर सकता क्या? इंडिया में जब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे तो इंडिया इंडिया नहीं था? मतलब आप किस तरीके से इस तरीके की बात करते हो यार? आपने क्या सोचकर बोल दिया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं बिकेंगे तो यहाँ भुखमरी आ जाएगी? क्या मतलब क्या दिमाग में आया आपके ये सोचने में? यार कुछ तो सेंस रखो यार, कुछ तो मतलब सोच के बोला करो कि क्या कुछ भी बोल देते हो। और ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट लगा रखा है, डरा रहे हो लोगों को। अबे एक चाइनीज ब्रांड बंद हुआ ना तो अगले पल ही एक दूसरा इंडियन ब्रांड खड़ा हो जाएगा, आप मौका तो दो। क्या आपने टिकटॉक का हाल नहीं देखा? अभी एक बंदे ने, कैरी मिनाटी, उसने टिकटॉक की जो वाट लगाई है, 4.5 स्टार रेटिंग थी और उसको लाकर 1 स्टार पे खड़ा कर दिया था। ये किसने किया? ये एक इंडियन ने किया। और इसका साथ किसने दिया? हम इंडियंस ने दिया। अगर आपने देखा हो जब टिकटॉक की रेटिंग गिरनी चालू हुई थी तो उसी के अगले पल एक इंडियन बंदे ने टिकटॉक जैसी ऐप बनाकर सामने खड़ी कर दी जिसका नाम रखा था मित्रों। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, या प्ले स्टोर पर जाके चेक कर लीजिए, तो उसको 2 दिन के अंदर लोगों ने 5 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड कर लिया। तो यार अगर आप मौका ही नहीं दोगे इंडियंस को तो वो ऐसा आगे बढ़ेंगे ही क्यों? अगर इंडियन ब्रांड फ़ोन बनाना चाहता है और वो आगे आना चाहता है मगर उसको पता है ये ऑलरेडी चाइनीज़ फ़ोन हमारी मार्केट में कैप्चर किए हुए हैं और पब्लिक इनके लिए पागल है, तो इंडियन जो कंपनीज़ हैं वो आगे ऐसा आएंगी क्यों? वो तो डर जाएंगी ना यार कि उनने कुछ बनाया और कोई पब्लिक खरीदेगी नहीं। मगर ये पब्लिक को सोचना होगा, ये हमको सोचना होगा कि हमको चाइनीज़ ब्रांड्स को बॉयकॉट करना है और अपनी इंडियन कंपनीज़ को आगे बढ़ावा देना है, उनकी चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेंगी। अगर हम शुरुआत करेंगे तभी हमारी इंडियन कंपनीज भी आगे आएंगी। जैसे अभी टिकटॉक के ऊपर हुआ, एक इंडियन बंदे ने मित्रों करके एक ऐप सामने लेकर आया, इससे पहले किसी को नहीं पता था इस ऐप के बारे में, ना ऐसी कोई ऐप थी, अगर होगी भी तो लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने ध्यान कब दिया? जब टिकटॉक को लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू किया, उसी के बाद इन लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि हमारी एक इंडियन ऐप है जो टिकटॉक जैसी ही है, हमको उसको यूज़ करना चाहिए, तो लोग वहाँ पर आए। इसी तरीके से लोग इंडियन ब्रांड्स भी खरीदना चालू करेंगे जब तक हम चाइनीज़ ब्रांड्स को खरीदना बंद नहीं करेंगे। और आप ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो? कोई चाइनीज़ फैक्ट्री अगर इंडिया में बंद होगी तो उसी के बदले इंडियन फैक्ट्री यहाँ पे चालू हो जाएगी। जो अनएम्प्लॉयमेंट चाइनीज़ फैक्ट्री को बंद होने के बाद हुई है वो एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट हो जाएगी। तो आप किस बात को लेकर डरा रहे हो? तो मेरा सबसे यही कहना है कि यार इनको बॉयकॉट करना शुरू करो और इसकी शुरुआत आप पहले एप्लीकेशन से करो। जितनी भी चाइनीज़ ऐप्स हैं आपके मोबाइल में
उनको आप पहले अनइंस्टॉल कर दो, फिर आप स्मार्टफोन पर आना, फिर उनको बॉयकॉट करना शुरू करना, फिर जो दूसरी चाइनीज चीजें आती हैं जैसे लाइट्स वगैरह, कपड़े वगैरह, जूते चप्पल, ये इन सबको आप फिर बॉयकॉट करना शुरू करना। तो शुरुआत तो आप पहले करो कहीं से, तो आप इसमें डरना नहीं है किसी को भी, और इसमें सबको साथ मिलके चलना है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो फिर आगे कोई बढ़ेगा ही नहीं। और अगर आप इसमें सब साथ में मिलके चलोगे, मैं मानता हूँ शुरू में काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की आदत हो गई हम लोगों को, तो आदत छूटने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, मगर शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल हम कर सकते हैं, हमने बहुत कुछ पॉसिबल किया है तो ये भी कर सकते हैं। और अगर हमने ये कर दिखाया तो इंडिया को ही लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा होगा। जो कंपनीज असेंबल करवाती थी अपने फोन, जैसे आईफोन है चाइना में असेंबल करवाती है, वो इंडिया में करवाने लगेगी, क्योंकि इसको पता चलेगा कि चाइना में जो असेंबल होता है उसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता फोन, तो वो अपने आप आकर इंडिया में अपना काम शुरू करेगी। ऐसी दूसरे ब्रांड्स हैं वो भी इंडिया में अपना आना शुरू कर देंगे बजाय चाइना में जाने के। तो इस तरीके से इंडिया को इसका फायदा होगा, गवर्नमेंट को अभी टैक्स नहीं मिलेगा, बट आगे आने वाले टाइम पर उसको टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, इंडियन कंपनीज उनको देंगी, तो यहाँ का पैसा यहीं रहेगा। तो आप खुद सोचिए इंडिया को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। हमारा एक कदम अगर हम इंडिया के लिए कर सकते हैं तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यार आपको पता है चाइना और हम लोगों के बीच में जो संबंध हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। चाइना ने जगह जगह पर हमको धोखा दिया है, हमको बुरा दिखाने की कोशिश की है, और हम लोग सिर्फ देखते ही रहते हैं, और उसकी बजाय हम लोग इनके प्रोडक्ट्स खरीद के इनको ही फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अब बहुत अति हो चुकी है और हम लोगों को इस पर काम करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमको इस पर करना ही पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पे रोक लगाने से हिजबुल कमांडर सलाउद्दीन को बचाने तक पाकिस्तान को इंडिया में टेरर फैलाने के लिए उसको हेल्प करना, और 1962 की फाइट में जो हमारी उसने ज़मीन जब्त कर ली है, उसके बावजूद भी लद्दाख में हमारे फौजियों के सामने इस तरीके से भिड़ना कि जैसे हम उसके किसी बाप की जागीर हैं, तो ये हमको अपने दिमाग में लेकर सब चलना पड़ेगा। तो इस बार टेंशन लेने का नहीं है, इस बार टेंशन देने का है, और अपने को चाइना को टेंशन देना है। उसके चीज़ें हम खरीदना बंद करेंगे तभी उसको टेंशन होगी, और उसकी जो ये दादागिरी है ना, इसकी जो सारी हेकड़ी सामने आ जाएगी, तो ये हमको ये कदम उठाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। हमारे जो फौजी खड़े रहते हैं बॉर्डर्स पर, क्या उन्हीं को हमारी इंडिया की रक्षा करनी है? हम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता अपने देश की रक्षा के लिए? क्या हम लोग अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? आप इसके बारे में सोचिए, और हम ये कदम अगर उठाएंगे तो अगला कदम इससे भी बड़ा उठेगा। तो आज से और अभी से हम शुरू करते हैं इसकी ऐसी तैसी करना। पहले शुरुआत करेंगे हम इसकी एप्लीकेशन से, जितनी भी आपके फ़ोन में चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं वो सारी डिलीट करना शुरू कर दो, और इनको आप दोबारा कभी डाउनलोड मत करना। फिर हम इनके जो फ़ोन्स हैं उनको बॉयकॉट करेंगे, उनको हम लेना बंद करेंगे, उसके बाद जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और आते हैं उनको फिर बॉयकॉट करेंगे। तो इसी तरीके से हम चाइना को सबक सिखा पाएंगे, और जो भी वो दादागिरी भी करता है हमारे सामने, वो सारी की सारी उसकी हम निकाल के रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह फैला दो, और सबको पता चल जाना चाहिए कि हमको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने हैं। जय हिंद।